एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय हेल्थ माय किचन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज का रेसिपी। चिली टोफू बनाने के लिए सबसे पहले हमें 400 ग्राम टोफू लेना होगा और उसको अच्छे से वॉश करके पीस पीस काट लें। कुछ हमें सब्जी लेना होगा, धनिया के पत्ता, रेड कैप्सिकम, लाल मिर्च, अदरक और लहसुन। लहसुन का मात्रा थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। टोफू को पीस पीस काट लें। उसमें 2 चम्मच मैं कोटिंग के लिए कॉर्नफ्लेक्स डालूंगी और टेस्ट के अनुसार उसमें नमक डाल दें और अच्छे से उसको मिक्स कर दें और उसको ढक के रख दें। एक जार ले लें और सारी सब्जियां को मिक्सी में डालकर 1 चम्मच पानी डालकर पीस लें और उसमें स्वाद अनुसार नमक डालें, क्योंकि नमक उसमें भी है, उसमें भी है, तो क्वांटिटी का ध्यान रखना है। एक फ्राई पैन लें, उसको तेल थोड़ा सा डालें उसमें और उसमें कोटिंग कर कर के सारे टोफू को सेलो फ्राई कर लें। देखिए मैं करके दिखा रही हूँ आप लोगों को, इस तरह से उसमें डिप कर कर के उसको डाल दे जाए और थोड़ी देर उसको फ्राई पैन में ही पकने दें। जब अच्छे से एक तरफ पक जाए तो उसको उलट दें और ये सारे जो ग्रेवी हम लोग बनाए हैं ना लिक्विड, उसमें कोटिंग करके ये टोफू बहुत ही लाजवाब बन जाता है। इस तरह से सारे टोफू को आप फ्राई कर लें और उसी फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डालें। एक मैं प्याज लंबे लंबे साइज में काटी हूँ, आप अच्छे से उसको भूनें, कम आँच ही रखें और प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इतना भुनना है कि उसका कच्चापन निकल जाए। इसमें मैं ग्रीन कैप्सिकम काट ली हूँ और लाल कैप्सिकम भी काट ली हूँ, उसमें डाल दें, हल्का सा फ्राई करें और नमक डालें। नमक डालकर थोड़ा सा फ्राई करें, उसमें सोया सॉस 1 चम्मच डाल दें, चिली सॉस 1 चम्मच डाल दें और सबको अच्छे से मिक्स कर कर पकाएं। 1 मिनट वो जब पक जाए तो उसमें जो सेलो फ्राई किया हुआ टोफू था उसको अच्छे से डाल दें और मिक्स करें। इस तरह से उसको चारों तरफ से उसको भूनें, सारे सॉस का उसमें फ्लेवर आना चाहिए अंदर। और जब हम वो लिक्विड बनाए थे तो उसमें से 2-3 चम्मच आपको बचा के रखना होगा, लास्ट में उसको डालें और डालकर 1 मिनट भून लें। ये देखिए बनकर आपका चिली टोफू रेडी हो गया है। रेस्टोरेंट स्टाइल में गरम गरम परोसें और खाएं। शाम को कभी भूख लगे तो ऐसे भी आप बना के खा सकते हैं। ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा स्रोत है और हमें बहुत आसानी से हजम हो जाता है। बच्चे को भी दें, जो जिम जाते हैं वो भी खा सकते हैं, जो वीगन है वो भी खा सकते हैं। इसका इतना डिलीशियस और बहुत ही अच्छा लगता है, ये मैं बता नहीं सकती हूँ कि दोस्तों एक बार ज़रूर आप लोग ट्राई करके देखें। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करें।